सर सीमा मीना से बात करनी है जी। क्या बात? मिलने आए, मिले, वो स्वस्थ रहे, बीमार थी तो उनको देखा, उनके बच्चों से मिले और उनके बारे में सारी जानकारी की जो उन्होंने मुझे अब तक फ़ोन पे बताया था, जिस आधार पर हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई थी उसी आधार को उन्होंने सब माना। मैंने एक ही बात कही, कोई एजेंसी ATS पूछताछ कर रही है, CBI करे, NIA करे, रॉ करे, IB करे, कोई भी करे, जिसकी करवा लो, सच बोलना, सच के साथ ईश्वर परमात्मा है, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं होगा। और उसी आधार पर हमने देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई है और उसी आधार पर आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। उनका परिवार है, उनके सब लोग हैं, गांव के लोगों ने, यहां गांव के रघुपुरा के लोगों ने फलेदा मोड़ से इतना बड़ा स्वागत किया, इतना ज़बरदस्त स्वागत किया, मैं उससे अभिभूत हूं, कर्ज़दार हूं। और वो स्वागत सिर्फ मेरा नहीं है, मैं समझता हूं स्वागत इस देश के सभी एडवोकेट का है जो दीन दुखी परेशान बेसहारा गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए करना चाहिए। मैं उनका धन्यवाद हूँ करता हूँ और उनकी मालाओं का कर्ज फर्ज के साथ पूरा करता हूँ। सर आखिरी भी कितने आश्वस्त हैं नागरिकता? जैसे इस देश में हजारों लोगों को नागरिकता मिली, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, बर्मा मलाय से, जैसे तिब्बत से आए हुए लोगों को, हजारों लोगों को दलाई लामा के समय, 1971 में रोहिंग्या के समय, जो जो नागरिकता जैसे मिली है और लोगों को उसी से नागरिकता मिलेगी। और देश की बहू है और यहाँ लोगों ने उसे प्यार दिया है और उसके प्यार को पूरा समाज उसके साथ।